राम राम किसान मित्रों, इस समय गेहूं में इल्ली और माहू का जबरदस्त प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जो इल्ली और माहू दोनों को ही अकेले खत्म कर देने का काम करेगी। लेकिन एक बात आपको खास ख्याल रखना है कि इस दवा को प्रयोग करते वक्त कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको बेहद जरूरी रूप से पालन करना है। अगर आप इन सावधानियों का पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है स्प्रे करने के बाद में आपको खेत से घर ना जाकर के सीधे अस्पताल जाना पड़े डॉक्टर के पास। तो सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रख करके पालन जरूर कीजिएगा। ज़्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दूं कि 5 दिन पहले मैंने एक पोल जनरेट किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो वीडियो की डिमांड है वो इसी पर है कि इल्ली और माहू की सिंगल शॉट दवा बताई जाए। तो मैं आज उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। गेहूँ में लगने वाला इल्ली और माहू अलग अलग प्रजाति के कीट हैं। एक सकिंग पेस्ट है यानी कि चूसने वाला कीट है और दूसरा चेविंग है यानी कि चबाने वाला कीट है। तो इसे अलग अलग दवाओं को मारने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो काफ़ी महंगा भी पड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक दवा ऐसी बताई जाए जो सिंगल शॉट में ख़त्म कर दे और किसानों को सस्ती भी पड़े। अब हम एक ही दवा का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें टेक्निकल दो होगा, जो एक चेविंग के लिए होगा एक सकिंग के लिए होगा। तो हम इसमें जो टेक्निकल प्रयोग करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कामयाब टेक्निकल्स का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें मिलता है थायोमेथोक्सम 12.9% प्लस लेमडासाई हेलोथ्रीन 9.5% जर्सी फार्मुलेशन। जर्सी फार्मुलेशन बहुत ही अच्छा है, इसमें रेन फास्टनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आप स्प्रे करते हैं उसके 3 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो भी आपकी दवा बेकार नहीं जाएगी। और आपको बता दूं थायोमेथोक्सम के तो रिजल्ट मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कितना बेहतरीन रिजल्ट देता है। लेमडासाहेलोथ्रीन के बारे में भी मैंने बता रखा है और वीडियो भी बना रखी है, और लाइव कीड़ों को मारने का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। तो दोनों ही टेक्निकल बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। जो मार्केट में आपको सजेंटा की अलीका मिल जाएगी, HPM से अंतकाल आता है और कात्यायनी से चक्रवर्ती के नाम से आता है, और अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं और अलग अलग नाम से ये आते हैं। तो किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस फार्मुलेशन आपका यही होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि डोज क्या रखनी है आपको। तो डोज में आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, और एक एकड़ में आपको 150 लीटर पानी का भी प्रयोग करना है। इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो येलो लेवल की है, यानी विषाक्तता काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में संभवतः अगर देख लीजिए, अगर फ्लावरिंग टाइम है और कीट नहीं लगे हैं तो आप मत छिड़काव कीजिएगा। इल्ली की जो दवाई है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ऐसे में थायोमेथोक्सम भी प्रयोग कीजिएगा। लेकिन अगर इल्ली और माहू दोनों लगे हैं तो आप स्प्रे इसका निकाल दीजिए, और एक काम कीजिए, जिस बैटरी चालित मशीन को प्रयोग करें तो उसमें रेगुलेटर लगा होता है, उस रेगुलेटर से आप जो स्प्रे की स्पीड है वो कम करके तब आप प्रयोग कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या ना हो, इसके लिए आप जो है 1 g/L पानी के हिसाब से आप जो है बोरॉन को मिला लीजिएगा। जो बोरॉन 20% आता है उसे मिलाइएगा। अगर आप 150 लीटर पानी प्रयोग करते हैं तो 150 g प्रयोग कर सकते हैं, वैसे 100 g भी प्रयोग कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 100 g काफ़ी ज़्यादा महंगा होता नहीं है, 50 रुपये का ये आपको 100 g मिल जाएगा, जो कि एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। आपको बता दें कि जो जर्सी फार्मुलेशन है ये CS फार्मुलेशन और SC फार्मुलेशन को मिला करके बना है और काफ़ी तगड़ा रिजल्ट देता है। तो जो जर्सी फार्मुलेशन आता है यह इसीलिए महंगा हो जाता है। अगर यही दवाएँ लेमडासाहेलोथ्रीन और थायोमेथोक्सम अलग अलग खरीदते हैं तो ये लगभग आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा, और अगर आप बोरॉन भी मिलाते हैं तो 250 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर यह टेक्निकल आपको नहीं मिल रहा है तो आप अलग अलग दवाओं को खरीद करके भी प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग दवाओं में कितना कितना प्रयोग करना है, आपको 30 g थायोमेथोक्सम प्रयोग करना है और 100 ml जो लेमडासाहेलोथ्रीन आती है उसे प्रयोग करना है। CS फार्मुलेशन मिल जाता है तो बेटर होगा कि आप CS फार्मुलेशन प्रयोग कीजिए, क्योंकि CS फार्मुलेशन 4.9% में ही आता है लेमडासाहेलोथ्रीन में, और लेमडासाहेलोथ्रीन का 5% EC आता है। CS EC की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया काम करता है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर CS फार्मुलेशन मिल जाए तो आप वही खरीदिएगा। 100 रुपये में 100 ml मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी वो सावधानी की जो आपको पालन करना है, चाहे अलग अलग का आप खरीद रहे हैं चाहे जो ये डबल टेक्निकल वाली दवा है ये खरीद रहे हैं, दोनों में ही इन सावधानी का विशेष रूप से पालन करना ही करना है आपको। देखिए
अब मेथाक्सम की तो बात अलग है, वो से आप प्रयोग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है लैम्डा साइहेलोथ्रीन, जो आप अलग से मिला रहे हैं तो भी आपको दिक्कत पड़ेगी, और अगर आप ये मिक्स वाली दवा ले रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लैम्डा साइहेलोथ्रीन जैसे ही शरीर में किसी भी भाग में जहाँ पर भी छू जाएगा वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होगी, और अभी गर्मी बढ़ रही है, धूप काफ़ी हो रही है, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि यह लगभग 12 से 18 घंटे जब लग जाता है शरीर पर तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी देता है, और इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर चुका हूँ, क्योंकि हम लोग मक्के में ये दवाई काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जब मक्की काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम लोगों के शरीर पर लग भी जाती है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन एक बात बता दूँ कि कुछ कंपनियाँ जो है नॉन इचिंग पाउडर देती हैं, तो उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, सरसों के तेल में मिला करके पहले ही लगा लिया जाता है, या फिर आप लगने के जब लग गई है छिड़काव करके आए हैं तब आप लगा लेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा राहत दिला देता है। लेकिन ऐसी कुछ ही कंपनियां हैं जो लैम्डा साइहेलोथ्रीन के साथ में ये नॉन इचिंग पाउडर दे रही हैं। इसमें जो मुझे कंपनियां ज्ञात हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हेर्नवा कंपनी का आता है लैम्डा साइहेलोथ्रीन जयम के नाम से, जो 5% इसी फार्मुलेशन में आता है, या आपको नॉन इचिंग पाउडर देते हैं, 100 ml दवा जो है वो 100 रुपये की देते हैं। दूसरा स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी का आता है लैम्डा साइहेलोथ्रीन 4.9% CS फार्मुलेशन वाला, ये भी आपको जो है नॉन इचिंग पाउडर देते हैं साथ में। तो ये दो कंपनियां हैं, अगर लैम्डा साइहेलोथ्रीन प्रयोग कर रहे हैं, अगर इन कंपनियों का मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। वैसे पायनियर पेस्टिसाइड की दवा आती है जो कि 60 रुपये की ही 100 ml मिल जाती है, लेकिन नॉन इचिंग पाउडर नहीं मिलता है। सेजेंटा की कराटे आती है, महंगा देते हैं, 150 रुपये का देते हैं 100 ml, लेकिन उसमें भी नॉन इचिंग पाउडर नहीं होता है। तो ऐसी अगर आप अलग से प्रयोग कर रहे हैं तो आप ऐसी दवाओं को ही सेलेक्ट करें जिसमें नॉन इचिंग पाउडर मिलते हों। ये दो दवाएं मैंने बताई हैं वो मेरी जानकारी में थी। आपकी जानकारी में ऐसी और कोई दवा है जो नॉन इचिंग पाउडर दे रही है लैम्डा साइहेलोथ्रीन है तो आप कमेंट भी करके बताइएगा, और उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बात करूं कि ये जो डबल टेक्निकल वाली दवाएं आ रही हैं क्या इसमें भी नॉन इचिंग पाउडर आता है, तो ऐसी मुझे कोई कंपनी ज्ञात ही नहीं है जो ऐसा नॉन इचिंग पाउडर देती हो। इस डबल टेक्निकल को छिड़काव करते वक्त आप विशेष करके सावधानियों का ही पालन कीजिएगा। वैसे गेहूँ छोटी होती है जो कमर से नीचे ही होती है, तो ऐसे में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नहीं आने वाली हैं, तो कोई मोटा कपड़ा पहन करके आप नीचे जो पैंट है वो काफ़ी मोटी हो उसे पहन करके इसके बाद छिड़काव का काम कीजिएगा। और हाथों में लगने से बचाने के लिए आप जो रबड़ के दस्ताने आ रहे हैं या फिर पॉलीथीन के ही दस्ताने आ रहे हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग कर लीजिए, और फेस में हो सकता है मास्क लगा लीजिए, अगर लगता है ऐसा हवा चल रही वगैरह चल रही है तो आप लगा लीजिए, और सावधानी का पालन करके तब आप इस दवा का छिड़काव कीजिएगा। इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और काफ़ी अच्छी दवा है, और मैं इसे लगातार जो मक्के के साइड में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, तो इस दवाओं पर हमें काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप मेरे मोटिवेशन और अपने नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, राम राम।